और ऋषभ पंत को लेकर अंपायर पर बुरी तरह से भड़क गए हार्दिक पांड्या। जी हां दोस्तों, दरअसल हार्दिक पांड्या इस समय पहले ही खराब कप्तानी और रोहित शर्मा को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच वो मैदान पर भी कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसके बाद हार्दिक पांड्या खुद ट्रोलर्स के निशाने पर आ ही जाते हैं। आज दिल्ली के खिलाफ चल रहे मैच में भी जब शाई होप और ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे तब ओवर्स के बीच ब्रेक आया तो हार्दिक पांड्या बाउंड्री लाइन के पास खड़े खड़े काफी जोर से चिल्लाकर दिल्ली के बल्लेबाजों से निराश दिख रहे थे। बाद में हार्दिक पांड्या अंपायर्स के पास कर उनकी शिकायत करने लगे कि ऋषभ पंत और शाई होप ओवर्स के बीच काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बाद में फिर आप कप्तान को बोलते हो और हमें मजबूरी में ज्यादा फील्डर सर्कल के अंदर रखने पड़ते हैं। हालांकि दिल्ली के बल्लेबाज अगर टाइम लगा रहे थे तो वो बात पांड्या की ठीक थी, उनका अंपायर्स को कहना बनता था, लेकिन जिस अंदाज में हार्दिक पांड्या ये बातें अंपायर्स को कह रहे थे उनका कहने का तरीका बिल्कुल गलत था। अब इसी वजह से एक बार फिर पांड्या सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि हार्दिक पांड्या बिना गुस्सा किए भी अंपायर्स के आगे अपनी बात रख सकते थे, लेकिन पांड्या अंपायर से तमीज से पेश नहीं आए और रोहित शर्मा भी पांड्या के इस रवैये से खुश नहीं थे। दोस्तों आपका इस पूरे वाक्य पर क्या कहना है, आप भी कमेंट जरूर करें।